स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज अलग तरीके से करंट पढ़ेंगे। मेरा क्या ये रिसर्च का मानना है कि ब्रेन में अगर कोई चीज ले जाना है या इंस्टॉल करना है या ये कहें कि मेमोरी में याद रखना है तो लिख के जब लिखेंगे तो आपको आंखों के सामने दिखेगा। ऐसे क्या हो रहा है कि पीडीएफ में क्या देख रहे हैं, पीडीएफ में क्या बोल रहे हैं या स्लाइड में क्या बोल रहे हैं वो स्किप हो जाता है। तो बेस्ट वे तरीका है क्या कि लिख के पढ़ाना, ठीक है ना। लिख के बताएंगे तो वहां पे आपकी नजर रहेगी और साथ साथ में सुनते रहोगे तो ऑडियो और विजुअल कभी भी बेस्ट मेथड होता है ब्रेन को ट्रेन करने का। तो इसी आधार पे ये नया प्रयास किया जा रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो पहला हम लोग चलते हैं, पहला न्यूज है करेंट का कि वैश्विक, और आप लोग लिख भी सकते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में, अंतराल रिपोर्ट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, इस इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो कौन निकालता है, पहली बात आते हैं कि कौन निकालता है इसे। तो सर इसे WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या इसको कहते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक मंच निकालता है, ठीक। पहली बार कब निकाला गया था वैश्विक लैंगिक अंतराल WEF द्वारा, पहली बार कब निकाला गया था, तो पहली बार निकाला गया था 2006 में निकाला गया था। कितने आयाम पे निकाला जाता है, तो चार डायमेंशन पे निकाला जाता है, चार डायमेंशन पे। कौन कौन से डायमेंशन है, तो आर्थिक रूप से भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, ठीक। दूसरा निकाला जाता है शिक्षा की प्राप्ति पे, शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा है आपका स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवता, तो स्वास्थ्य ही लिख दे रहे हैं। चौथा हमारा है राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये चार डायमेंशन पे निकालता है ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, कि महिलाओं की स्थिति देखता है किसमें, आर्थिक भागीदारी कैसी रही, शिक्षा कैसा रहा, स्वास्थ्य कैसा रहा और राजनीतिक सशक्तिकरण कैसा रहा। तो हमने बताया वैश्विक लैंगिक अंतराल कब से निकाला जा रहा है, 2006 से। कौन निकालता है, विश्व आर्थिक मंच निकालता है। और कौन सा इस बार रिपोर्ट निकाला गया, अगर 2006 से जोड़ोगे तो कौन सी 16वीं रिपोर्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट इस पे आ जाए तो देखो कुल कितने देश को शामिल थे, तो कुल 146 देश शामिल थे, 146 देश। अब रिपोर्ट की प्रमुख बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, तो अगर विश्व की देखें कि वैश्विक समानता लाना हो या लैंगिक अंतराल को खत्म करना हो, ये लैंगिक अंतराल को खत्म या समाप्त करने में विश्व स्तर पे वैश्विक लैंगिक अंतराल समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, WEF ने बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, इस रिपोर्ट में पूर्ण रूप से लैंगिक समानता कोई प्राप्त नहीं किया है, कोई देश पूर्ण रूप से लैंगिक समानता नहीं प्राप्त किया है, ठीक। तीसरी बात देखें तो इसमें रिपोर्ट में देखें कि कौन कौन आया है। नंबर वन पे कौन है, आइसलैंड है, नंबर वन पे आइसलैंड, ठीक। दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड। आइसलैंड 13वीं बार नंबर वन पे आया, 13वीं बार। अगर देखा जाए इस रिपोर्ट में रैंकिंग के हिसाब से, तो टॉप टेन में चार नॉर्डिक देश शामिल हैं। तो नॉर्डिक देश में कौन कौन आते हैं, आइसलैंड आता है, फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, ग्रीनलैंड भी आ जाता है, और डेनमार्क आता है, ठीक। तो इस चार नॉर्डिक से में कौन कौन है, तो आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड, यहां हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, और चार नॉर्डिक देश शामिल हैं। लेकिन पूरे नॉर्डिक देश में देखा जाए तो ग्रीनलैंड भी आता है, आइसलैंड आता है, फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है, ठीक है ना। तो इसमें से सिर्फ ये चार देश सिर्फ 10 में शामिल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतिम कौन है भैया, अंतिम जानते ही हो, अफगानिस्तान है, कौन है, अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अब आ जाओ दक्षिण एशिया से की बात करें, तो दक्षिण एशिया में बात करें तो साउथ एशिया में कितने देश हैं सर,
साउथ एशिया में कुल 8 देश हैं, और आठों देश को देखना हो साउथ एशिया में तो नंबर वन पे कौन है, ये रैंकिंग लगाने के लिए यूपीपीएससी दे देगा तो फिर फंस जाओगे। तो नंबर वन पे कौन है, बांग्लादेश है। कौन? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे हमारा नेपाल है लैंगिक समानता में। तीसरे नंबर पे कौन है, श्रीलंका है। चौथे नंबर पे कौन है, तो मालदीव है, मालदीव है, ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन है, तो ये भूटान है। छठे नंबर पे कौन है, तो यहां पे जाके भारत है। तो आप समझ सकते हो कि भारत कहां पे है, अगर रैंकिंग में लगाने के लिए आ जाएगा कि लैंगिक असमानता रिपोर्ट या लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में साउथ एशिया में भारत का स्थान कौन सा है, तो छठवें नंबर पे है। तो नंबर वन पे कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि साउथ एशिया के कंट्री और ओवरऑल जो रैंकिंग आए हैं उनसे मैच कराने के लिए, तो यहाँ पे दे देगा कौन सा देश, दे देगा यहाँ पे दे देगा आइसलैंड, ठीक है, दूसरे में फिनलैंड, और तीसरे में नॉर्वे, ठीक, और चौथे में न्यूजीलैंड। अब इन चार में से साउथ एशिया के चार मिलाने हो तो कैसे मिलेंगे, ठीक है। नंबर वन पे ये है तो साउथ एशिया में बांग्लादेश है। भारत का स्थान कितना है, छठवें है। अब जरा सा छठवां है तो भारत का रैंकिंग जान लेते हैं। भारत का रैंकिंग कितना है, तो 135वां है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। कौन सा है, 135वां है, जबकि 2021 में कितना था, 2021 में हमारा था 140वां, ठीक। तो अभी कितना हो गया, 135वां है हो गया है इसका स्थान। अभी भी बहुत खराब है इसका लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देखें कि अभी तक क्या पढ़े। तो देखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, WEF जारी करता है। पहली बार 2006 में जारी किया था। चार डायमेंशन पे जारी करता है, आर्थिक रूप से भागीदारी, शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक पे। ये 16वीं रिपोर्ट है, ठीक। और कुल 146 देश शामिल है। लैंगिक अंतराल समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, विश्व के लैंगिक अंतराल समाप्त करने में। ये ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। पूर्ण लैंगिक समानता कोई भी देश प्राप्त नहीं किया, तो पूछ लेगा कि प्राप्त किया कि नहीं, तो कोई भी देश प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। नंबर वन पे कौन है, आइसलैंड है। दूसरे नंबर फिनलैंड, तीसरे नंबर पे नॉर्वे, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड, अंतिम कौन है, अफगानिस्तान है। आइसलैंड कौन से 13वीं बार नंबर वन पे। टॉप 10 में चार नॉर्डिक देश है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। अब ये बताया कि साउथ एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, छठवें नंबर पे भारत है। कितना रैंक है, 135वें है, 35वां है। 2021 में कितना था, 140वां था, ठीक है। अच्छा, ये नया एक्सपेरिमेंट है, मतलब हमारे तरफ से है, आप लोग भले देखते होंगे लेकिन कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इस हिसाब से देखो हमारे पास तो उतने संसाधन है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर लेना, और साथ ही में इसके कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है ये, ठीक। उस हिसाब से अपने आप को सुधारा जाएगा और अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। भारत तो हमने बता दिया कि साउथ एशिया में आठ है, तो दो और कौन है, तो दो और का नाम बताते हो, जानते हो, पाक है और अफगानिस्तान है। तो आठ साउथ एशिया देश। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, दूसरा नंबर न्यूज की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, प्रकाशन कौन करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन प्रकाशन करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट। हर दो साल पे निकाला जाता है। पहली बात है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट हर दो वर्ष पे निकाला जाता है, पहली बात, हर दो वर्ष पे। किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग का, यूएन का आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग का एक प्रभाग है, डिवीजन है, जिसको बोलते हैं विभाग का जनसंख्या प्रभाग या डिवीजन, ठीक है। तो जनसंख्या प्रभाग द्वारा ये निकाला जाता था। यूएन का आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग में एक डिवीजन है जनसंख्या प्रभाग, वो निकालता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस कौन निकालता है, ये आपका यूएन का आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा निकाला जाता है। तो पहली बार कब प्रकाशन में हुआ था, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो 27वीं रिपोर्ट निकाला है, ठीक, इतनी बात समझ में आए। अब आ जाओ इसमें कुछ पॉइंट याद करने की क्या है इस रिपोर्ट में, कि इसमें पहली बात है कि बोल देगा कि विश्व की आबादी बढ़ रही है, पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात सही है,
हाँ जी ये सही है। इस रिपोर्ट में बोला है कि विश्व की आबादी तो बढ़ रही है लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा है कि इंडिया 2023 तक वेरी इंपॉर्टेंट चीन को पछाड़ देगा और हम क्या हो जाएंगे, नंबर वन हो जाएंगे, बधाई हो। ठीक है, 2023 तक हम नंबर वन हो जाएंगे चीन को पछाड़ के। ठीक है, ये चीन नंबर वन था, 2023 के बाद नंबर वन हम हो जाएंगे, भारत हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए इस पे मत जाना। ठीक, और 2030 तक विश्व की आबादी कितनी हो जाएगी, तो 2030 तक बताया है कि 8.5 बिलियन हो जाएगा जनसंख्या। ठीक, ये कुछ पॉइंट था ये। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेनले रिपोर्ट में, तीसरा हमारा न्यूज है हेनले। हेनले रिपोर्ट की बात करें, पहली बात तो ये कौन निकालता है या कब शुरुआत हुआ, तो ये देखो 2006 से निकालना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये किसका डाटा लेता है, किसके डाटा के एनालिसिस पे निकालता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जो आंकड़े जारी की जाती हैं उसको यूज करके ये बताता है, हेनले रिपोर्ट बताता है। हेनले रिपोर्ट में क्या होता है कि कोई पासपोर्ट धारक है किसी देश का तो वीजा मुक्त कितने देशों में घूम सकता है, वीजा मुक्त। ठीक है, तो उसमें नंबर वन पे हमारा क्या कौन है, जापान है। जापान में 193 देशों में उसके पासपोर्ट धारक, जापान के पासपोर्ट अगर कोई धारक है तो बिना वीजा के पहले लगाए वो घूम सकता है अराइवल पे। जैसे जापान, मान लो जापान का अगर कोई आ रहा है यहाँ भारत में तो पहले से वीजा अप्लाई नहीं करेगा, जैसे ही भारत में उतरेगा वहां पे उसको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑन अराइवल होता है, तो 193 देशों में। वैसे ही दूसरे नंबर पे कौन है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, और इसके साथ साथ कौन है, हाँ साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया। तो दो हैं देश, सिंगापुर और साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे। ये कितने देशों में घूम सकते हैं, 192। ठीक है, ये 192 है। ठीक, भारत के स्थान देखें तो भारत का स्थान कौन से पे है, 87वें पे है, भारत 87वें पे है और 60 देशों में घूम सकता है, वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। ठीक है ना, इसमें एक और बात तथ्य जानने की जरूरत है हेनले पासपोर्ट में। हेनले पासपोर्ट में ये जान लो कि पिछले 8 वर्षों में, मतलब पिछले 8 वर्षों में देखें तो यूएस का पासपोर्ट नंबर वन पे था हेनले में, ये नंबर वन पे था। अब 8 वर्षों में ऐसा हो गया कि जो यूएस के पासपोर्ट धारक हैं वो उनकी रैंकिंग कितनी दे दी गई है, 7वीं रैंकिंग इस बार दे दी गई है, तो एक नंबर से 7वें नंबर तक आ गया है पिछले 8 वर्षों में। तो ये एक तथ्य है जानने के लिए। अब वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है तीसरा, चौथा न्यूज देखो, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट कौन जारी करता है, या एक और अच्छी बात जान लो, एक शीर्षक ऐसे बोल देगा कि शीर्षक के अंदर, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना। पूछ ले कि विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना नामक शीर्षक से कौन सा रिपोर्ट जारी किया और कौन करता है, पहले कौन जारी करता है इसके बारे में जान लें। तो ये जान लो, यूएन की एक संस्था है, यूएन हैबिटेट ये जारी किया। यूएन हैबिटेट कब स्थापित हुआ था, तो 1978 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, यूएन हैबिटेट 1978 में स्थापित हुआ और नैरोबी केन्या में है। यही रिपोर्ट निकालता है, या विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना नामक शीर्षक से किसने रिपोर्ट जारी किया, तो यूएन हैबिटेट ने जारी किया। ठीक ना, तो ये बस जान लो। दूसरी बात है कि इसकी 11वीं बैठक हुई थी जून में, 11वीं बैठक, क्योंकि हम लोग जून से सितंबर देख रहे हैं। और यकीन मानिए, आप स्टिक रहेंगे ना यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके करेंट के क्वेश्चन बड़े कम पढ़ के अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप अगर भागना चाहो तो भागते रहो। 11वीं जो बैठक हुई, वो बैठक कहाँ हुई थी, यूएन हैबिटेट की, तो पोलैंड में हुआ था, पोलैंड के किटोविस
केटोविस शहर में हुआ था। तो ये एक और बात हो गई। तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन हैबिटेट करता है। इस बार शीर्षक क्या था? विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना। कहां पे बैठक हुई थी? 11वीं बैठक हुई थी पोलैंड के केटोविस में, ठीक है। इसका मुख्यालय, यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहां है? नैरोबी केन्या में, ठीक। बस इतना जानना था और हो गया, ठीक। और इसका विषय अगर पूछ ले कि विषय क्या था, थीम क्या था, तो विषय भी जान लो। विषय है बेहतर शहरी भविष्य के लिए हमारे शहरों को बदलना। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज फॉर ए बेटर अर्बन फ्यूचर, ये हमारा थीम था। और इसमें बोला गया कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो जाएगी? तो 675 मिलियन हो जाएगी। और ये चाइना के बाद शहरी आबादी का, चाइना का 1 बिलियन है। चाइना के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर में भारत होगा। भारत की आबादी 675 मिलियन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये बात समझ में आ गया। अब देखो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग या सूचकांक 2022 देखे। तो पहली बात, आईएमडी कहां की संस्था है? तो ये स्विट्जरलैंड की है आईएमडी संस्था, ठीक है ना। ये प्रतिवर्ष ये पूछेगा कि रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के रूप में निकालता है? नहीं साहब, ये आईएमडी विश्व एक किताब के फॉर्म में निकालता है, एक किताब के फॉर्म में, ठीक है, किताब के रूप में निकालता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है ना। और ये कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1989 से प्रकाशित हो रहा है। और ये अभी कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 34वें संस्करण जारी किया गया, ठीक है। चार कारकों पे देखा जाता है। चार कारक कौन कौन है? तो चार कारक में एक आर्थिक रूप से प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा क्या है? सरकारी दक्षता अर्थात गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तीसरा क्या है? व्यावसायिक दक्षता अर्थात बिजनेस एफिशिएंसी। और चौथा हमारा है आधारभूत संरचना, ठीक है। ये चार आधारों पे ये निकालता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक निकालता है। तो ये चार कारकों में कभी हो सकता है कि ये पूछ लिया जाता। हमारा तो है कि प्रिपरेशन अच्छे से है और 2023 टारगेट किया है। तो देखो 2023 के प्री तो नहीं रुकने वाला, इतना मालूम है, हमें इतना एक्सपीरियंस है। और उसके लिए हम मार्च से डेडिकेटेड होंगे। इससे पहले तो हम मेंस लेके चल रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेंस अगर लिखना है तो कैसे है। तो इसके लिए आरओ और एआरओ भी आ रहा है यूपीपीसीएस में, तो उसके लिए करंट तो हो ही रहा है इधर से। और जब हम प्री बताएंगे, मार्च से डेडिकेटेड होंगे, आप प्री वहां से पढ़ सकते हो, ठीक। तो हमने आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 देख लिया। स्विट्जरलैंड में ये इंस्टीट्यूट है, ये किताब के रूप में पब्लिश करता है। पहली बार 1989 में पब्लिश किया था। 34वां रिपोर्ट है। चार आधारों पे ये कारकों पे निकालता है, ठीक है। 34 वर्षों के बाद पहली बार डेनमार्क 34वां है। तो पहली बार डेनमार्क क्या बना? पहला स्थान मिला है 34 वर्षों के बाद, ठीक है। और इसी में फिनलैंड की बात करें तो 2009 के बाद ये टॉप 10 में आया है। 2009 के बाद देखें तो 9 के बाद टॉप 10 में 8वें स्थान पे आया है। कौन? फिनलैंड, ठीक। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो जैसे ही मान बताया था कि डेनमार्क है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, ठीक। तीसरे नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। और ये याद रखना, चौथे नंबर पे ये चारों याद रखना, स्वीडन है। मैच कराने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन। अंतिम कौन है? तो अंतिम रूप से हमारा है वेनेजुएला। अंतिम कौन है? वेनेजुएला, ठीक है। भारत की आवाज देख लें तो भारत की स्थिति देखो, टोटल कितने देशों में? कुल थे 63 देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 37वां है, 37वें स्थान पे है। 6 स्थान का सुधार किया है, अर्थात 2021 में कितना था? ये 43वें स्थान पे था, अभी कितना हो गया?
37वें। अगर एशिया में देखें भारत, तो एशिया में भारत का स्थान कौन सा है, 11वें स्थान पे है। तो ये कुल मिला जुला के आईएमडी से जुड़ा हुआ प्रतिस्पर्धा से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं कृषिगत उत्पादन का चौथा फोर्थ अग्रिम माना है, उस हिसाब से सही इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। इसमें 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की कितनी बात कहा गया, अनुमान लगाया गया है, तो वो बोले हैं कि 315.72 मिलियन टन, एमटी का मतलब मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होगा, कुल खाद्यान्न की बात होगी। तो चावल कितना होगा, तो आज तक का सबसे रिकॉर्ड चावल का उत्पादन बोला गया है 21-22 में कितना, 130.29 मिलियन टन। और गेहूं का कितना, तो गेहूं का होगा 106.84 मिलियन टन। अगर मोटे अनाज को देखें तो मोटे अनाज का उत्पादन होगा 50.90 मिलियन टन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे ज्यादा अगर खाद्यान्न में उत्पादन देखें तो क्या होता है, ऐसे पूछ लिया जाए तो चावल होता है, ठीक है ना। तो 130.29 मिलियन टन चावल उत्पादन होगा, गेहूं 106.84 मिलियन टन होगा, कभी भी ये पूछा जा सकता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो कृषिगत उत्पादन के फोर्थ अग्रिम अनुमान की ये कुल खाद्यान्न कितना होगा, 315.72 मिलियन टन, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि एक रिपोर्ट निकाला गया है युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार, गंदा राइटिंग है, मैनेज करना, लेकिन हाँ अगर फायदा इससे है तो यही चलेगा, फिर स्लाइड वगैरह से नहीं, यही प्रवृत्तियां युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां रिपोर्ट कौन निकाला था, या एक और क्वेश्चन, ये रिपोर्ट निकाला था तो किस शीर्षक से, टाइटल से निकाला था, तो युवा लोग के भविष्य को बदलने हैं तो निवेश कहेगा कि युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार की प्रवृत्तियां कौन निकालता है, या अभी किस इस शीर्षक, कौन सा शीर्षक, युवा लोगों के भविष्य को बदलने हैं तो निवेश नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने निकाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट आईएलओ ने निकाला है। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, 1919 में, ठीक है। अब देखो कि शीर्षक समझ गए ना, तो बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आईएलओ से संबंधित, युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां कौन निकालता है, आप भी लिख लेना अगर लिखना चाह रहे हो, कि एक जगह मगजमारी ना हो के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हो, आप भी कर सकते हो, अदरवाइज हम तो बनाएंगे, ठीक है। और युवा लोगों के भविष्य को बदलने हैं तो निवेश नामक शीर्षक से कौन रिपोर्ट निकाला, आईएलओ ने निकाला। और आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया, कैसा देश मानता है भारत को, तो भारत को निम्न मध्य आय वाले देश मानता है, ठीक है, आईएलओ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर चले तो एक फ्यूचर ग्लोबल 500 की सूची आया फ्यूचर ग्लोबल का, तो ये इसमें नंबर वन कौन था, तो वॉलमार्ट है। ये लगातार नौवें वर्ष में नंबर वन पे रहना, ठीक है, लेकिन ये नंबर वन है, लेकिन सर्वाधिक लाभ से पूछा जाए, क्वेश्चन यहां बदल जाएगा, अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लाभ कमाने वाला नंबर वन पे कौन है, तो अरामको ये सऊदी अरब का क्या है, कंपनी है, तेल की कंपनी है, सर्वाधिक लाभ कमाने वाले कंपनी कौन से है अगर विश्व में देखा जाए, तो ये वॉलमार्ट नहीं होगा, नौवें स्थान पे है, ठीक है। अगर देखा जाए तो नंबर सबसे ज्यादा अगर फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में देखा जाए तो चाइना के 145 कंपनी शामिल है, उसके बाद दूसरे नंबर यूएसए के 124 शामिल है, जापान के कितने शामिल है तीसरे नंबर पे 47, भारत के कुल कितने कंपनी शामिल है, तो भारत के कुल 9 कंपनी शामिल है। नंबर वन पे क्या है, LIC है जो 98 नंबर पे है, और दूसरे पे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो हमारा कौन से नंबर पे है, 104वें नंबर पे है, ठीक है। तो टोटल 9 है, उसमें नंबर वन पे LIC है और दूसरा रिलायंस है, ठीक। तो ये फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची की बात हो गया, नंबर वन पे वॉलमार्ट है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, भारत की अग्रणी धनी महिलाएं,
धनी महिलाएं की सूची जारी किया गया। तो कौन जारी किया? तो कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक प्लस एक हुरुन इंडिया है, हुरुन इंडिया द्वारा जारी किया गया। ये तीसरा संस्करण जारी किया गया, थर्ड संस्करण था। उस थर्ड संस्करण में ये नंबर वन पे कौन रहा? तो नंबर वन पे एचसीएल के, एचसीएल के रोशनी, रोशनी नडार मल्होत्रा, मल्होत्रा ये हमारे नंबर वन पे रहे और ये सबसे धनी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में तो ग्लोबल फिनटेक डाटाबेस, द ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा, द ग्लोबल फिनटेक्स डाटा 2021, ये किसने डाटा जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जारी किया है और किस, ये ग्लोबल फिनटेक्स डाटा 2021 एक टाइटल के नाम से या शीर्षक किससे जारी किया गया? वो शीर्षक है, वो शीर्षक का नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड क्या है? कोविड 19 के युग में वित्तीय समावेशन, समावेशन डिजिटल, डिजिटल भुगतान तथा लचीलापन, तथा लचीलापन, लचीलापन इस नाम से शीर्षक से किसने रिपोर्ट जारी किया या द ग्लोबल फिनटेक डाटा 2021 किसने जारी किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। कौन जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, समझ में आया। तो अगर भारत की स्थिति इसमें बताया गया है कि भारत में बैंक खाते देखो तो 2011 में कितने थे? 35% थे और 2021 में कितने हो गए हैं? 78% हो गया। बस यही है द ग्लोबल फिनटेक डाटा 2021 किस शीर्षक से जारी किया गया? कोविड 19 के युग में वित्तीय समावेशन डिजिटल भुगतान तथा लचीलापन, किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, ठीक है। आज का आखिरी आपका न्यूज या करेंट अफेयर कि पीरियोडिक, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। कौन ये सर्वेक्षण करता है? तो एनएसओ करता है, सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। कब से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी है? तो 2017 से शुरू किया गया है, 2017 से ये सर्वे शुरू किया गया। किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा किया जाता है। अगर दिया ये रिपोर्ट अभी जो दिया है कंपैरिजन में देख लेते हैं कि 2019-20 में क्या स्थिति थी और 21-22 में क्या हो गया, और ये मेंस के लिए भी होगा, तो ये डाटा जरूर रख लेना जब इंडिकेट करना हो कुछ को, तार्किक रूप से हम कहते हैं ना कि रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो डाटा देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और 2017 में पहली बार जारी किया गया था। अब देखो कि हम बात करते हैं रूरल के, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में भागीदारी कितना है? 24.7% है। अगर ग्रामीण में कुल देखा जाए टोटल रूप से तो श्रम बल कितने हैं? 40.8% है। बाकी मेल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, महिलाओं का हम डाटा यूज करेंगे या टोटल यूज करेंगे रूरल में, ठीक है। वही 21-22 में रूरल में क्या हो गया? 21-22 में देखो फीमेल का कितना हो गया पार्टिसिपेंट श्रम भागीदारी? ये हो गया 27.7% ग्रामीण में, और टोटल में हमारा कितना रहा? 42.2%। वैसे ही अर्बन की बात करें शहरी देश में तो फीमेल का पार्टिसिपेंट कितना था? अब ये यहाँ पे दिमाग खोलने वाला है कि 18.5% था, 18.5%। देखो रूरल से कम है ना, दिमाग में बैठा रहना कि शहरी महिलाओं की भागीदारी दर, आर्थिक भागीदारी दर क्या है? बहुत कम है यार, ठीक है। और टोटल में अगर देखा जाए शहरी में तो कितने हैं? वो भी ग्रामीण से कम है। तो क्वेश्चन बर्बली ही दे दें कि श्रम बल भागीदारी ग्रामीण में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शहरी, तो बात सही है, डाटा से यही पता चलेगा। तो डाटा देखना भी सीखो अच्छे से, ठीक है। वही अर्बन में अगर देखा जाए 21-22 में क्या हालत हो गई, तो
बहुत मामूली सुधार हुआ, हम तो कहेंगे डाटा गड़बड़ है, 18.6% यार 5% था, 1.1% बढ़ा है फीमेल का, और टोटल में कितना बढ़ा है 38.9, मतलब वही चक्का है, कोई ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा है अर्बन में। अच्छा अब आ जाओ इसकी बात करें, पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में देखा जाए तो 2019-20 में फीमेल का श्रम बल भागीदारी कितना था, 22.8% था, और टोटल रूप से देखा जाए तो 40.1, और वही 21-22 में हमारा कितना हो गया फीमेल का श्रम भागीदारी दल 25.1% है, 25.1%, और टोटल में देखा जाए तो 41.6, हमारा यहाँ फोकस फीमेल की श्रम लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट पे रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि हमेशा ग्रामीण की में महिला हो चाहे पुरुष हो, या टोटल रूप से देखो ग्रामीण में श्रम लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट ज्यादा है रेदर देन अर्बन, पहला तो कंक्लूजन यही निकल रहा है, चाहे 19-20 की बात करें चाहे 21-22 की बात करें। हाँ पहले से जो टोटल भारत में देखा जाए तो लगभग 2.3% की वृद्धि हुआ है फीमेल के पार्टिसिपेंट में, भारत में अगर टोटल देखा जाए आर्थिक भागीदारी में तो 2.3% की वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी बहुत कम है, बहुत कम है भागीदारी, ठीक। तो ये डाटा रखने के लिए हमने बताया, और थोड़ा सा यहाँ पे मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा और ये एक फॉर्मेट आपको अच्छा लगा कि नहीं ये कमेंट करके, अगर नहीं होगा तो फिर तो अपने हिसाब से बताएंगे। तो सुधार चाहते हैं आप लोग को, क्या चीज इजी वे में लग रहा है पीडीएफ से पढ़ना या ये, चलिए बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।